एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल थ्रिल बायोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। हमारे देश में ये एजुकेशन में जो बदलाव हुआ है वो 34 साल के बाद हुआ है। इससे पहले 1986 यानी कि 1986 में हमारा एजुकेशन सिस्टम बदला गया था। उसके 34 साल बाद यानी कि आज 2020 में हम लोग का ये शिक्षा नीति में बदलाव आया है। और ये बदलाव थोड़ा बहुत नहीं है, ये बहुत ही बड़ा बदलाव है जिसके कारण हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगी। ये एजुकेशन सिस्टम जो भी नई शिक्षा नीति है ये कब से लागू होगा अभी तो इसके बारे में कुछ न्यूज नहीं आया है, लेकिन ये अगले साल से हो सकता है कि लागू हो जाए। आज हम लोग इसके बारे में ही बात करने वाले हैं कि आखिर कौन सी जगह पे क्या क्या बदलाव आया है, कहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं, हम पहले आप लोगों को समझा देते हैं कि किस तरह से हम लोग सभी चीज को समझेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या बदलाव आए हैं। हम लोग इसको 5 भाग में समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि जो छोटे बच्चे यानी जो नर्सरी, LKG, UKG या फिर जो 5th क्लास 6th क्लास ये सब के बच्चे हैं, उन सब के सिलेबस या फिर उनके पढ़ाई या फिर अदर करिकुलर एक्टिविटी में क्या क्या बदलाव आए हैं वो सब देखेंगे। ऐसे ही हम लोग 5 भाग में करते करते, मतलब एक एक भाग धीरे धीरे करते करते सबको धीरे धीरे समझेंगे। वहां पे जितना भी की पॉइंट्स है या फिर जितना भी इससे पहले जो हम लोग का जो एजुकेशन या फिर शिक्षा का जो पैटर्न था वो 10+2 पे बेस था, यानी 10 तक की पढ़ाई अलग और देन +2 से अलग स्ट्रीम पे चलता था। लेकिन अब जो नया जो शिक्षा नीति के अनुसार जो आया है पैटर्न वो 5+3+3+4 है, ओके 5+3+3+4 ओके इस पे है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर ये 5+3+3+4 है क्या, हम लोग इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग सबको एक एक करके समझेंगे, जिस तरह से हम पहले बताए कि 5 भाग में समझेंगे। जो सबसे पहला नंबर है 5, वो 5 क्या है, उसमें क्या क्या शामिल है हम लोग उसके बारे में देखेंगे। फिर जो दूसरा नंबर है 3, उसके बारे में, देन अगेन जो दूसरा नंबर 3 है उसके बारे में, फिर जो 4 है उसके बारे में, ये हो गया 4 भाग। फिर जो चौथा या फिर जो पांचवा जो भाग है, जो सबसे लास्ट भाग है, उसमें हम लोग देखेंगे कि 12th के बाद का जो लेवल का एग्जाम या फिर जो भी पढ़ाई या सिलेबस है उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं हम लोग उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग 12th तक को देखेंगे। ये जो 5+3+3+4 है ये नर्सरी से लेकर के 12th तक के बारे में है कि उसमें क्या क्या नए बदलाव आए हैं। उसके बाद हम लोग ग्रेजुएशन के बारे में देखेंगे या फिर आगे जो भी एजुकेशन है उसके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम एक एक करके हर एक भाग के बारे में बताना। तो सबसे पहले हम लोग जो भाग देखने जा रहे हैं वो है 5, यानी कि ये 5 में आखिर क्या क्या चीज है। तो इस जो सबसे फर्स्ट है 5, ये सबसे फर्स्ट स्टेज है या फिर इसको फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। इसमें कौन कौन शामिल है यहाँ पे आपको बगल में दिखाई देगा कि इसमें क्या क्या और कौन कौन से क्लास के बच्चों को शामिल किया गया है यहाँ पे। तो जो प्री प्राइमरी यानी नर्सरी, UKG, LKG और देन 1st क्लास और 2nd क्लास, ये 5 साल के बच्चों को रखा गया है, यानी कि ये टोटल 5 साल इधर हो गया, यानी 3 LKG, UKG और नर्सरी, देन क्लास 1 एंड क्लास 2 यहाँ पे रखा गया है। तो आखिर इसमें क्या क्या बताया जाएगा हम लोग को, जैसे कि पहले होता था कि बस पढ़ाई यानी कि पढ़ाई ही सब कुछ है, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं रह गया। पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ है, बस अब रटंतु विद्या कुछ भी काम नहीं आने वाला है। रटंतु के साथ साथ अब हम लोग को समझना भी पड़ेगा, हर चीज हम लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा। जो भी छोटे बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई के साथ साथ अलग से जो भी स्पोर्ट्स है या फिर देखा जाएगा कि उन्हें किस चीज में रुचि है, तो उसपे उनके हर एक स्टूडेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, उसमें कि कौन क्या ज्यादा पसंद करता है। किसी को खेल कूद में ज्यादा मजा आता है तो किसी को पढ़ाई में मजा आता है, किसी को कंप्यूटर्स टेक्निक्स वगैरह में ज्यादा मजा आता है। तो हर एक बच्चे को देखा जाएगा कि वो किस किस भाग में ज्यादा रुचि दिखाता है। तो सबसे पहले भाग में हम लोग 5 यानी कि
प्री प्राइमरी और प्री प्राइमरी का आगे का 3 साल और देन उसके बाद क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड, ये जितना भी होगा इसको हम लोग फाउंडेशन स्टेज मानेंगे। जो पहले का 5 साल है ये फाउंडेशन स्टेज होगा जिसमें बच्चे की नींव मजबूत की जाएगी, यानी कि उसका बेस स्ट्रांग किया जाएगा। इसमें स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटी को भी ध्यान में रखा जाएगा, यानी कि पहले की अपेक्षा अब किताबों का बोझ कम होगा, पढ़ाई का प्रेशर कम होगा, छोटे छोटे बच्चे को अब इतना भारी भारी बैग लेकर के जाने का जरूरत नहीं है। उनके हर एक चीज पर ध्यान दिया जाएगा, किसमें तेज है किसमें कमजोर है और उन्हें किस चीज की ज्यादा जरूरत है। ओनली बस स्कूल जाने और आने से ही नहीं होगा, हर एक चीज देखा जाएगा। यहाँ तक कि जो रिजल्ट आएंगे वो भी सिर्फ उनके फाइनल एग्जाम के मार्क्स पर नहीं आएंगे, वो कैसे है, मतलब उनका स्कूल में हर एक के प्रति व्यवहार कैसा है, ये सब भी देखा जाएगा। तो सबसे पहला हिस्सा खत्म होता है 5, 5, 3, 3, 4 में पहला हिस्सा 5 खत्म हुआ, जिसमें कि पहले 3 वर्ष प्री प्राइमरी और देन फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों को रखा जाएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे भाग की तरफ। दूसरे भाग यानी कि जो चलते हैं दूसरे भाग की तरफ दूसरे भाग यानी कि जो नंबर 2, 3rd है, जो उसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन क्लास को रखा गया है, कौन कौन से क्लास को रखा गया है। इसमें सेकंड के बाद यानी क्लास 3rd, 4th और 5th क्लास के बच्चों को शामिल किया गया है। इसमें क्या क्या होगा, जो क्लास 3rd, 4th और 5th इन क्लास के बच्चों को भी उसी तरह से सिर्फ पढ़ाई से ही मतलब नहीं रखा जाएगा, यहाँ पे उनके हर एक एक्टिविटी को देखा जाएगा। यानी कि यहाँ पे एनसीईआरटी सब जितना कुछ भी होने वाला है ये सबका बेस एनसीईआरटी होगा, पढ़ाई के अनुसार एनसीईआरटी पे ही चलेगा सब कुछ। उसमें जो 3rd से 5th क्लास के बच्चे होंगे उन्हें गणित यानी मैथ, साइंस, आर्ट्स और सोशल साइंस की स्टडी करवाई जाएगी। और ये भी देखा जाएगा कि कौन से स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है, उस हिसाब से उस पे ज्यादा ध्यान भी दिया जाएगा। जैसे किसी को साइंस में बायोलॉजी ज्यादा पसंद है, या किसी को आर्ट्स पसंद है, किसी को हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, या फिर कोई ऐसे भी बहुत स्टूडेंट होते हैं जो अदर पेंटिंग वगैरह में ज्यादा रुचि दिखाते हैं, तो ये सब करने के साथ अदर एक्टिविटी पे भी ध्यान दिया जाएगा। ये था दूसरा हिस्सा, ये सेकेंड स्टेज था। फर्स्ट जो है वो फाउंडेशन स्टेज है, देन ये सेकेंड स्टेज। अब हम लोग जो 5, 3, 3, 4 में अब तीसरे पे आते हैं कि इसमें कौन कौन से क्लास को शामिल किया गया है। ये जो 3rd पॉइंट है यानी कि जो तीसरा हिस्सा है, इसमें हम लोग इसको हम लोग मिडिल स्टेज कहते हैं। और इस मिडिल स्टेज में 5th क्लास के बाद यानी कि 6th, 7th और 8th ये 3 क्लास के बच्चों को रखा जाएगा। हम लोग सबसे फर्स्ट देखें जिसमें कि प्री प्राइमरी का 3 साल देन फर्स्ट और सेकेंड साल, उसके बाद का जो हिस्सा था उसमें रखा जाएगा 3rd, 4th एंड 5th। और ये जो तीसरा हिस्सा है इसको हम लोग मिडिल स्टेज कहेंगे और इसमें क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों को रखा जाएगा। इसमें क्या क्या होगा, इसमें हम लोग को जो क्लास 6 से 8 तक की स्टडी होगी इसमें जो एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे जिस बच्चे को अगर किसी को कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में रुचि है तो यहाँ पे उन्हें कंप्यूटर सीखने यानी कंप्यूटर चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, या फिर अगर उन्हें पेंटिंग पसंद है तो वो उसका भी प्रैक्टिकल कर पाएंगे। और अनदर जैसे कि अगर 6th क्लास के पहले ये सब नहीं था, 6th क्लास के बच्चे इंटर्नशिप नहीं कर सकते थे, उन्हें जो भी आता था, लेकिन अब क्या है कि अगर 6th क्लास के बच्चे अगर केमिस्ट्री पसंद है उन्हें, जैसे 3rd टू 5th में देखा गया कि कौन से बच्चे को किस सब्जेक्ट में रुचि है, देन 6th टू 8th में अगर देखा गया कि उस बच्चे की रुचि विज्ञान में ज्यादा है, विज्ञान में जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी, ये सब में उसकी रुचि ज्यादा दिखाई दी, और अगर वो चाहता है कि हम इसका प्रैक्टिकल करके देखें, यानी किसी एक सब्जेक्ट का हम प्रैक्टिकल करके देखें और अपने आप को हम चेक करें कि हम आखिर
कहाँ तक है, या फिर हमको ये सच में, या फिर टीचर चेक करना चाहते हैं कि सच में इसको ये चीज अच्छा लगता है या फिर नहीं, तो वो सिक्स क्लास से एट क्लास तक में अपना इंटर्नशिप कर सकता है, यानी कि वो अपने आप को परख सकता है, प्रैक्टिकल कर सकता है, अब ऐसा हो सकता है। और पहले हम लोग, हाँ एक और बात, जो क्लास 1-5 यानी कि पहले 5 साल जो है प्री प्राइमरी और फर्स्ट सेकेंड ये सब जो है, इसमें अब इंग्लिश की अनिवार्यता नहीं रहेगी। यहाँ पे हम अपनी मातृभाषा में हर एक सब्जेक्ट को अपनी मातृभाषा में पढ़ सकेंगे। अगर कोई गुजराती में पढ़ना चाहता है तो वो अपने सारे विषय को गुजराती में पढ़ सकता है। इंग्लिश अब सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट है, जरूरी नहीं है कि हम लोग इंग्लिश पढ़े ही। पहले इंग्लिश अनिवार्य था, लेकिन अगर अभी कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो गुजराती में पढ़े, या फिर वो हिंदी में पढ़े, या फिर वो मराठी में पढ़े, ये सब अब पॉसिबल है कि वो उस सब्जेक्ट को अपने मन के अनुसार यानी कि अपनी भाषा में पढ़ सकता है। अब बस इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, ये कोई अनिवार्य सब्जेक्ट नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ तक तो हो गया, मातृभाषा में ही होगी। और हाँ, तो हम लोग तीसरे चरण यानी कि मिडल स्टेज तक हम लोग देख चुके हैं। अब जो है ये है लास्ट स्टेज है 5-3-3-4। और हाँ, तो हम लोग तीसरे चरण यानी कि मिडल स्टेज तक हम लोग देख चुके हैं। अब जो है ये है लास्ट स्टेज है 5-3-3-4 तक का ये लास्ट स्टेज है, ओके, जिसमें कि क्लास 9th से क्लास 12th तक के बच्चों को रखा जाएगा। और इसमें भी उसी तरह से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, जब मतलब जो भी बच्चा जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाहता है ज्यादा, वो उस सब्जेक्ट के बारे में अपने मन मुताबिक पढ़ सकता है। अगर इसमें परखा जाएगा कि कौन से बच्चे को कौन से सब्जेक्ट के प्रति ज्यादा रुचि है और वो कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहता है, यहाँ पे उससे अपने बिग एम्बिशन या फिर उसका एम क्या है उसके प्रति प्रेरित किया जाएगा कि तुम्हें ये चीज ज्यादा अच्छा लगता है, तुम इसमें ज्यादा ध्यान दोगे, या फिर तुम इस चीज में ज्यादा अच्छे हो, इसमें ज्यादा ध्यान दोगे तो तुम ज्यादा आगे बढ़ पाओगे। पहले की तरह अब स्ट्रीम नहीं रह जाएगा, जैसे कि क्लास 10th के बाद था कि हम लोग 11th और 12th में अगर कोई स्टूडेंट आर्ट्स लेता है तो वो आर्ट्स ही पढ़ सकता है, उसके अलावा वो साइंस यानी कि अगर वो हिस्ट्री चाहे तो नहीं पढ़ सकता था, या फिर अगर वो आर्ट्स साइंस लेता है तो वो आर्ट्स नहीं पढ़ सकता है, और अगर वो आर्ट्स लेता है तो साइंस या कॉमर्स नहीं पढ़ सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर कोई स्टूडेंट साइंस का है, अगर वो बायोलॉजी लिया है, और अगर उससे उसकी रुचि इतिहास में भी है तो इतिहास यानी कि हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, और अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है और उसे बायोलॉजी में रुचि है तो वो बायोलॉजी सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। कोई भी स्टूडेंट अब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। इसके लिए हो सकता है कि एक अलग से पूल बनाया जाए, मतलब सॉरी एक अलग से पूल रखा जाएगा कि हाँ, अगर मान लीजिए आपको पहले से पता है कि हाँ हमको कॉमर्स लेना है, लेकिन अगर आपकी रुचि अलग सब्जेक्ट में भी है, इतिहास या अलग किसी सब्जेक्ट में भी है कॉमर्स के अलावा, तो आप उसमें भी उसको रख सकते हैं। अब सिर्फ एक स्ट्रीम ही नहीं होगा, आप एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट अपनी मर्जी के अनुसार पढ़ सकते हैं। और क्लास 9th से 12th तक ये 4 साल का जो ये लास्ट स्टेज है, इसमें हम लोग को देखा जाएगा सभी बच्चों को कि वो आखिर क्या करना चाहता है, उसका एम्बिशन क्या है, उसका एम क्या है, वो सबको भी बढ़ावा दिया जाएगा। और हाँ, अब पहले की तरह नहीं रह गया है कि हाँ कि फाइनल एग्जाम आने वाला है, बस लास्ट में हम लोग 1 मंथ या 2 मंथ पढ़ेंगे और एग्जाम पास कर जाएंगे। अब ऐसा नहीं होने वाला है, अब सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर में एग्जाम होगा, और सिर्फ 2 सेमेस्टर होंगे, 6 महीने पे एक एक सेमेस्टर होगा, 6 महीने पे एक एग्जाम और अगले 6 महीने पे एक एग्जाम,
और ये दोनों ही सेमेस्टर का जितना भी मार्क्स होगा वो जोड़ करके ही आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, और जो रिजल्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर, आपके मार्क्स के बेसिस पर नहीं होंगे। ये आपके आपका स्कूल में आपका व्यवहार कैसा है, आप सबसे किस तरह से बात करते हैं, आप कौन से स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, या फिर आपकी और अदर करिकुलर स्टडीज, या फिर आप अदर एक्टिविटीज में कैसे हैं, ये सबको मिला करके रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनाया जाएगा। अब सिर्फ याद करना ही सब कुछ नहीं होगा, साल भर यानी कि पूरे एक साल में आप जो भी दो सेमेस्टर देंगे उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी ही नहीं, आपको हर एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस चीज में कैसे हैं और आपको किस चीज में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छे तरह से पास कर पाएंगे। पहले की तरह अब सब कुछ नहीं रह जाएगा। ये हम लोग चार स्टेज तक खत्म कर लिए, सबसे फर्स्ट फाउंडेशन स्टेज, सेकंड स्टेज, देन द मिडिल स्टेज एंड द लास्ट स्टेज, यानी कि हम लोग 12th तक सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि जो ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी जैसे कि पहले क्या होता था कि 12th एग्जाम देने के बाद हमारा जो भी नंबर आया, मान लीजिए कि हम अगर 50% नंबर लाते हैं, ठीक है, 12th बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन नहीं ओनली 50%, और किसी भी अच्छे कॉलेज में हमारा एडमिशन नहीं हो पाता था कि वहां पे कट ऑफ मार्क्स 60% है या फिर 55% है, तो हमारा उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अगर आप 12th में कम नंबर भी लाते हैं तो आपका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में हो सकता है। उसके लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसको हम लोग कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं कि हम उसके कट ऑफ मार्क्स तक पहुंच जाए, तो आपको उस कॉलेज का एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि कैट देना पड़ेगा, जिसका मार्क्स आपके 12th बोर्ड के मार्क्स के रिजल्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि आप अपने अनुसार किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं अगर आप सक्षम हैं तो। उस कॉलेज के कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट को पास करने के बाद आप ले सकते हैं उस कॉलेज में एडमिशन। और क्या क्या और बदलाव आए हैं, जैसे कि पहले ग्रेजुएशन में अगर मान लीजिए हम किसी एक कॉलेज से ग्रेजुएशन दे रहे हैं, ठीक है, और वहां पे हम लोग एक साल तक पढ़ाई किए, वहां का एक साल का रिजल्ट भी आ गया, लेकिन उसके बाद हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई या फिर हमारा घर कहीं पे अलग जगह शिफ्ट हो गया, पटना से कहीं और दिल्ली या फिर मुंबई या फिर कहीं पे भी शिफ्ट हो गए, तो उसके बाद हम अगर कहीं दूसरे जगह जाते थे तो हमें शुरू से ग्रेजुएशन का पढ़ाई शुरू करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अगर आप किसी कॉलेज में एक साल पढ़ाई किए तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा एक साल के पढ़ाई का, और उसके बाद आप अगर कहीं भी जाएंगे तो आप उसके बाद एडमिशन लेंगे, यानी कि आपको सेकेंड ईयर से एडमिशन लेगा। अगर आप दो साल में कहीं पे पढ़ाई छोड़ते हैं, यानी सेकेंड ईयर में अगर आप कहीं पे पढ़ाई छोड़ेंगे तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा। पहले ईयर में छोड़ने पे सर्टिफिकेट, दूसरे ईयर में डिप्लोमा, और अगर आप तीसरे ईयर में छोड़ेंगे तो आपको डिग्री मिलेगा, और अगर बैचलर डिग्री मिलेगा, और अगर आप चौथे साल में छोड़ेंगे इंजीनियरिंग या फिर किसी भी चीज की पढ़ाई, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग या फिर किसी भी चीज की पढ़ाई आप छोड़ेंगे तो चौथे साल में अगर मान लीजिए आप खत्म करते हैं तो आपको रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ एक डिग्री मिलेगा, यानी कि पहले साल छोड़ने पे सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में छोड़ने पर हमें डिप्लोमा मिलेगा, और तीसरे साल में हमें एक बैचलर डिग्री मिलेगी, चौथे साल में रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ हमें डिग्री मिलेगी। तो इस तरह से आगे हम लोग इस तरह से आगे का पढ़ाई होगा, यानी कि अब किसी की भी पढ़ाई कहीं पे भी आधी नहीं रह जाएगी। अगर हम कहीं पे आधे करते हैं तो दूसरी जगह से हम उसको पूरा कर सकते हैं अपना सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दिखा करके। और अब हम लोग जैसे पहले स्टूडेंट्स जो साइंस वगैरह लिए हैं, तो उसके बाद अभी के टाइम में क्या है कि हम लोग दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अब जो होने जा रहा है न्यू एजुकेशन सिस्टम के
हिसाब से, तो उसमें आपको अगर रुचि है कि आप विज्ञान के अलावा, मतलब साइंस के अलावा, अगर आप कंप्यूटर्स पढ़ना चाहते हैं या फिर कुछ अलग जो भी आपको पसंद है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको रुचि है, तो आप वो सारा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। हम लोग इसको, इसका जो नाम है यह मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट, यानी कि एक साथ आप बहुत सारे सब्जेक्ट ले भी सकते हैं और दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ भी सकते हैं। इसका नाम है मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट नाम है। फिर उसके बाद एक और नया चीज ऐड हुआ है जिसका नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जैसे कि हम लोग अगर एक साथ में दो कोर्स करना चाहते हैं तो हम लोग उसको कर सकते हैं। जो भी कोर्स हमारा पूरा होगा उसका जितना भी नंबर होगा वो हमारे क्रेडिट बैंक में ऐड हो जाएगा और बाद में लास्ट में वो हमारे डिग्री के कोर्स में जुड़ जाएगा। यानी कि जो भी कोर्स होगा वो सारा एक साथ होकर के आ जाएगा, यानी हम लोग का कोई भी सब्जेक्ट आधा अधूरा नहीं रहेगा। और ये सारा जो डिसीजन है ये न्यूज में कल ही आया है। अब तो इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। पहले जो कॉलेज में फीस लगते थे अब उस तरह से फी नहीं लगेंगे कि कभी भी किसी भी तरह बढ़ा दिया गया। अब जो एक बार फीस तय हो जाएगा वही फीस रहेगा, यानी कि निश्चित फीस ही हम लोग को भरना पड़ेगा। और ये जो जितना भी कुछ हुआ है इसको कम से कम ये सब करने में 2 लाख से ज्यादा लोगों का इसमें राय लिया गया है। और अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इससे ज्यादा तो नहीं है कुछ भी अब। और धीरे धीरे हो सकता है हर एक चीज के बारे में और अच्छे से बताया जाएगा, अच्छे विस्तार से, जिस तरह से हमको पता चलेगा हम धीरे धीरे उसका वीडियो बना करके आप लोग को देते रहेंगे, जिससे आप लोग को पता चलते रहे कि कहाँ कहाँ क्या क्या बदलाव हुआ है आपके घर में, या फिर जो भी देख रहे हैं, जो भी माता पिता या फिर जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये सबको बताएं कि किस तरह से बदलाव हुआ है और आगे जो एजुकेशन पॉलिसी होगी वो किस तरह से होगी, पहले क्या था और अब क्या होगा, ये आप लोग को सबको बताना चाहिए। तो यहाँ पे आज हम लोग खत्म करते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। ओके, बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे स्टडी। बाय।